गाइस वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ बेल वर्ल्ड। और जैसे कि तुम सबको याद होगा, सिर्फ पिछले एपिसोड में मैंने अपने आप को अपग्रेड किया था और आज के एपिसोड में अपन कुछ तगड़ी ब्रीडिंग्स कराने वाले हैं और अपने आप को और अपग्रेड करने वाले हैं। सो लेट्स गो। ओके, तो अभी अपन गेम में आ चुके हैं और जैसे कि तुम सबको याद होगा, सिर्फ पिछले एपिसोड में मैंने 5 केक बनवाने रखे थे, बाकी ये 3 केक और ये 2 केक अभी बनवाने रखे हैं मैंने। मैं गेम में आया था कुछ साफ सफाई करने, क्योंकि मैंने बहुत फैलावड़ा फैला दिया था यार इन 2-4 दिनों में। देखो, मैंने जो चेस्ट थी लाइन में सारी चेस्ट गायब कर दी और इसके अंदर सारी चीज इकट्ठी कर दी है। ये देखो, इतने सारे तो स्टोन है, इतनी वुड है, इतना सारा सामान है भाई अपने पास। तुम्हें दिखता था अपने पास इतना सारा सामान है? और ये बहुत कम है। अभी एक चीज दिखाता हूं मैं तुम्हें, ये देखो, यहाँ पे 1300 तो यहाँ पे रखें और 3250 यहाँ रखें। बाकी एक अपने लार्ज पाल सोल बनवाई थी, इसको अपन ने बनवाया था कि अपन अपनी एनवीज को अपग्रेड कर सके। सो लेट्स गो। अब अच्छा, अरे यार एनवीज तो मैंने कहीं और, अरे नहीं भाई, मैंने अपनी एनवीज वहां रखवा दी यार आयरन ओर फार्म पे। और हाँ, उधर के लिए मैं ये सब भी इकट्ठे करके लाया था, तो क्यों ना एक बार अपन अपने आयरन ओर फार्म पे चलते हैं और यहाँ से अपनी वाली एनुबिस लेते हैं अपने पास। इसको रखो अंदर और यहाँ के जितने भी थे इनको उतार देते हैं यहाँ पे। डन। अब बस एक जने की कमी है, उस एक जने में अपन रख देते हैं अपना कोई फायर वाला बंदा, जिससे कि यहाँ पे फायरिंग का काम आसान हो जाए। मेरे सारे फायरिंग वाले बंदे कहाँ गए भाई? अच्छे अच्छे, चलो ठीक है, अभी के लिए मैंने ये रख दिया। बाकी यहाँ क्या चल रहा है ब्रो? यहाँ पे अगर इंगट्स बना सकते हो तो इंगट्स बना दो। ओके, 90 इंगट्स बन रहे, बनवा देते हैं। और ये क्यों तोड़ रहे हो तुम ये सब चीज? ओहो, इन्हें तोड़ के रखा है सब कुछ। बाकी यहाँ 4-4-1 है, इधर लेके चल भाई। रुक जा, एक सेकंड रुक जा, ये ले, अब बना। ठीक है, अपन चलते हैं वापस अपने बेस पे, क्योंकि आज अपने को करानी कुछ ब्रीडिंग्स। और बस तुम देखते जाओ मैं कैसे अपग्रेड करता हूँ अपने आप को धीरे धीरे करके। तो सबसे पहले मेरे को चाहिए होगा एक अपना रे हाउंड, ठीक है, तो इसको उतारो नीचे और इसको लगाते अपन इसकी जगह पे, ठीक है। और एक अपने को चाहिए होगा वुम्पो, वो वुम्पो आता ना ग्रीन वाला वुम्पो चाहिए अपने को एक। यार ग्रीन वाले वुम्पो मैंने उधर काम पे तो नहीं लगा रखे सारे, यार एक तो मिलना चाहिए। अबे यार मैंने सारे वुम्पो अपने फार्म पे काम पे लगा रखे। रुक जाओ, एक वुम्पो लेके आते हैं गाइस और फिर देखना तुम। ये देखो, ये रहा, इस रे हाउंड और वुम्पो का क्या मिक्सचर बनता है। जो कि मैं 5-6 एपिसोड पहले लेने गया था उस बंदे को, वो बंदा मुझे दिखा भी था, बट वो बंदा शायद मैंने मार दिया या फिर क्या हुआ मुझे ध्यान नहीं है। ये रहा अपना वुम्पो गाइस, इसको उतारते हैं अपन इसकी जगह पे। लेट्स गो, आजा बड़ी तू इधर। अबे रुक जा। अरे यार अब ये भी तो देखना पड़ेगा इसमें कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। अबे कहां जा रहा है तू साले? इधर अंदर जा, अंदर इधर जाने का समझा क्या तू? ये बंदा अपने को मिला है मेल, ठीक है। अभी अपने को चाहिए अपना दूसरा बंदा, जो कि मैंने अभी अभी उतारा था। ये गया कहां? अबे ये कहां लगा पड़ा है? एक सेकंड, इस बंदे को मैंने अभी अभी उतारा, अपना रे हुंड कहां गया भाई? है तू यही? पता नहीं कहां काम कर रहा है ये आदमी, ठीक है। लेकिन अभी यहां आ गया, इधर आ, इधर आ। लेट्स गो गाइस, अपन इसको भी छोड़ देते हैं इसके अंदर। अभी इन दोनों की जोड़ी बनेगी कि नहीं बनेगी? ओके, फाइनली जोड़ी इनकी बन गई है। और यहाँ पे मेरे को ज्यादा नहीं रखवाने, इसमें से निकालो एक केक। नहीं यार मैं केक सारे रखवा देता हूँ, बस ध्यान रखूंगा कि ये एक एग छोड़ती ना इनको मैं हटा दूं, वरना सारे वो ही बना देंगे यार ये। और वो क्या है वो मैं बताता हूँ तुमको, देखते जाओ। ठीक है, एक काम कर सकता हूँ मैं, सारे केक मैं अपने पास ले लेता हूँ। जब भी इनका एग हो जाएगा पूरा, जब मैं आके एक केक रख दूंगा, मेरे को एक एग मिल जाएगा और इनको मैं यहाँ से हटा दूंगा। उसके बाद जो इन दोनों से प्रोड्यूस होगा, उससे एक और नया बंदा प्रोड्यूस होगा, वो भी मैं तुमको दिखाऊंगा आज के एपिसोड में। उससे पहले अपन थोड़ी बहुत ग्राइंडिंग कर लेते हैं और अपन ये केक जो है इसको इसमें रख देते हैं, वरना अपना केक खराब हो जाएगा। ठीक है, 2 केक और बन चुके हैं, लेट्स गो। 13 केक्स हो गए हैं, मेरे को बहुत सारे केक बनवाने हैं भाई। देखो बनते जा रहे हैं यार, एक ही क्यों बन रहा है? अब किस चीज की कमी आ गई? अपने पास मिल्क की कमी नहीं है यार, एग की बहुत कमी आ रही है पता है। एक सेकंड रुको, एग के लिए मैं एक काम करने वाला हूँ, मेरे को चिकी पिकी चाहिए बहुत सारे। रुक जाओ एक सेकंड, रुक जाओ, थोड़े बहुत चिकी पिकी पकड़ने के लाने वाला हूँ। चिकी पिकी वेयर आ रही हूँ? अबे वैसे इतनी सारी मिलती है चिकी पिकी, आज एक नहीं दिख रही। ओके दिख गई, नहीं मारना मत। अबे पूरा, ओके खत्म नहीं करा। अरे अपनी पाल स्फीयर नहीं लाया, मेगा स्फीयर खर्च करूं इस पे? अरे यार ले आजा भाई, छोड़ तू, मेगा स्फीयर में आजा, क्योंकि आजकल मेगा स्फीयर में वैसे भी कोई नहीं आता। आ जाओ गाइस, अभी चलते हैं वापस से अपन अपने घर पे। एक पकड़ में नहीं आया क्या? हाँ आ गया ना पकड़ में, आ गया। देखो अभी अभी पकड़ में आया। और गाइस मैं ये बता रहा था तुम लोगों को, जैसे कि अपने पास 2 चिकी पिकी अभी पकड़ में आए। अब इन चिकी पिकी की जो पैसिव स्किल्स है, जैसे कि इसकी पैसिव स्किल है लॉगिंग फोर मैन, और इसकी पैसिव स्किल इतनी अच्छी नहीं है, बट पॉजिटिव थिंकर और थोड़ी बहुत अच्छी है। और एक और है अपने पास, इसकी फिरोसियस स्किल है। तो ये काम क्या करती है मेरे को नहीं पता, बट हाँ अगर इनके सबके अंदर ये जो येलो वाली स्किल है ना, देखो इसके अंदर ओनली एक एरो आ रहा है ऊपर की साइड, इन सबके अगर एक साथ मिक्स होके अपने को पैसिव स्किल मिले ना, तो बहुत तगड़ी होती है ये। अभी के लिए अपने को एनुबिस को हटाना पड़ेगा और एक अपने को हटाना पड़ेगा इस बंदे को, बट नहीं यार इसको हटा नहीं सकते, इससे हनी मिल रहा है, इससे अपना केक बन रहा है, इसको हटा देते हैं। तुम कहां जा रहे हो भाई? इधर आओ। एक बार पे एक ही रह सकता है क्या यहाँ पे?
क्योंकि मुझे रखवाने यहाँ पे दो, ये ले दो जने आ गए इसके अंदर। एक और कांगे मैंने एक और चिकी पिकी छोड़ा था ना कांगे, बाकी यहाँ पे इनका काम हुआ क्या? नहीं, इनका काम चल रहा है। वेयर आर यू माई चिकी पिकी? इधर आ भाई। कैन नॉट बी असाइंड? क्यों भाई? अरे यार अभी शायद ये एक असाइन हो गया तो ये दो तीन चले जाएंगे। गाइज अब अपने पास एग की कोई कमी नहीं होने वाली अगर ये तीनों की तीनों यही रहते हैं तो। अभी अभी मैं अपने को एक दो एग मिल चुके हैं तो ऐसे धीरे धीरे करके अपने को बहुत सारे एग मिलने लगेंगे। बाकी और किसी चीज की कमी नहीं थी, एग की कमी आ रही थी केक बनाने में, क्योंकि अब मैं बहुत सारे केक बनाने वाला हूँ भाई, सही में बहुत सारे केक। तो जितना भी खाना लाया मैं यहाँ रखता हूँ। बाकी अब एनुबिस को अपन अपग्रेड कर रहे थे तो इसको अपग्रेड करते हैं। कांगे अपना एनुबिस ये रहा, इसकी हेल्थ मैक्स हो। अरे यार नहीं, अभी तीन और चाहिए इसकी मैक्स हेल्थ करने के लिए। भाई इसकी मैक्स हेल्थ कितनी होगी? 6000 की चीज हो जाएगा भाई। अभी तक का अपने पास सबसे तगड़ा पैल। यार एक और नहीं बन रही है, एक ही बन रही है, कोई बात नहीं। एक अपन लार्ज पाल सोल बनवा देते हैं। बाकी तुम लोगों का काम हुआ कि भाई? ओके काम हो गया है। एक सेकंड रुको, फटाफट से मुझे लेके आने दो अपने केक्स, ठीक है? और केक्स रखवाते हैं इसके अंदर। लेट्स गो गाइस, बताओ किस चीज का ये केक होगा? कमेंट्स में बता के आओ, जब तक मैं इसको ब्रीड करा रहा हूं उससे पहले पहले कमेंट्स में बताओ तुम लोग। बट इन लोगों को मुझे यहां से उठाना पड़ेगा, फिर मैं कह रहा हूं एक और ले लेते हैं, सही रहेगा, ठीक है? एक और एग लेने दो और इसके अंदर देखो अब तुम क्या मिलता है अपने को। गाइज अपने पास फाइनली ग्रीस बोल्ट आ चुका है। टैटू वाला बंदा, टैटू है इधर आ, तेरा टैटू आ दबाऊं। ये देखो भाई इसकी इसकी वो एक गन बनती है, मेरे को गन बनानी है। रुक जाओ, इसकी गन कौन से लेवल पे खुलती है यार? ये भी तो दिक्कत होगी यार लेवल बढ़ाने में ना, ऐसी मौत सी आ रही। गाइज 33 लेवल हो गई। ओ भाई, लेकिन यार 33 लेवल पे ज्यादा कुछ नहीं, पॉलीमर है। 33 लेवल कब खुली मेरी यार? लेकिन अभी मेरे को ग्रीस बोल्ट का, यार ग्रीस बोल्ट की मिनी गन जो है 40 लेवल पे बनेगी, बताओ हद हो गई। बट इसकी शैडल बना सकते हैं अपन, एक इलेक्ट्रिक माइन बना सकते हैं, पॉलीमर बना सकते हैं, जो कि अभी मैं किसी को अनलॉक नहीं करने वाला हूं, क्योंकि भाई एंटेन टाइम पे मेरे को ऐसी अच्छी अच्छी चीज अनलॉक करनी होती है और मेरे पास टेक्नोलॉजी पॉइंट्स ही नहीं होते भाई। अभी ग्रीस बोल्ट क्या करने लगा रहा है? अरे साले इधर आ। गाइस छोड़ो इसको लेने की जगह, अपन देखते हैं इसकी एबिलिटीज। इसका अटैक 101 का है फर्स्ट लेवल पे और 500 की एचपी है, तो क्यों ना इसकी एचपी बढ़ाएंगे। इधर आ जा तू मेरे अंदर आ जा। बाकी अपने से पिछले एपिसोड में जो हाइपर स्फीयर्स बनवाए थे वो अपने बन चुके हैं और बन रहे हैं क्या? ठीक है 9 और बन रहे हैं, और बनवा देते हैं भाई। जितने स्फीयर्स बन सकते हैं ना उतने में इकट्ठे करने वाला हूं, क्योंकि अभी तो अपन अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, कभी ना कभी तो वापस जाएंगे पकड़ा पकड़ी करने। अभी क्या हो गया, तुम लोग छोड़ क्यों नहीं रहे? अभी तक तो अच्छे खासे अंडे छोड़ रहे थे। स्टार्विंग मेजर्ड इंजर्ड? क्यों भाई, कौन सा भूखे क्यों हो तुम? इसमें खाना वाना नहीं है क्या? अभी खाना भाई भाई भाई, लोग यहाँ भूखे पड़ रहे हैं, बताओ जी कोई बात है? इतना मैंने खाना बनवा के रखा इन लोगों के लिए है? ले भाई बेरीज बनवा दे थोड़ी बहुत, और बेरीज इसमें पड़ी थी ना। अरे यार क्यों बनवाई, कैंसिल करो, इसमें रखवाओ बेरीज सारी। टोमेटो भी तो पड़ा अपने पास। और गाइस ये सैलेड जो है ना सबसे बेस्ट न्यूट्रिशन का सोर्स है, क्योंकि किसी में इतनी न्यूट्रिशन नहीं है। देखो 84 इसका न्यूट्रिशन सोर्स है, और वो में देखना अब तुम जो मेहमत का है ना, बस इसके अंदर 252 का बहुत ज्यादा है, लेकिन ये इतने मिलते भी तो नहीं है। सैलेड में देखो 84 है, जो कि अच्छे अच्छे जानवरों को मारने के बाद मिलेगा। बाकी मेहमत का मिल जाए तो बात ही अलग है, लेकिन ये सैलेड का बहुत सही है भाई। तो ठीक है अब अगली बार सैलेड बनवाएंगे। लेकिन अपने पास ओ एक सेकंड, अपने पास एक और फार्मिंग साइट होनी चाहिए, बट तीन ही क्यों है? क्या अपन ने टेक्नोलॉजी में से कुछ अनलॉक करना रह गया है क्या? कारपेट सेट है ये। ओके यार ये लेटेस्ट प्लांटेशन ऑन करनी अपने को, जो कि अपन 38 लेवल पे कर सकते हैं। छोड़ो क्या मतलब है भाई इतना लेट ऑन होगा ये। बाकी मैं यहाँ ये खाना लेने आया था, मैंने खाना ले लिया, लेट्स गो वापस से घर पे चलते हैं। थोड़ा बहुत खाना रखते हैं भाई इसके अंदर, सब भूखे मर रहे हैं। ये लो खाना खाओ। अबे अंडे खा गए यार ये सारे के सारे भाई, 30 लोग साले, गू खाओगे मेरा। बाकी केक यार, केक के लिए एग खा गए ना ये लोग सारे भाई। छी यार मैंने एग, अबे उन लोगों ने प्रोडक्शन कर दिया होगा सारा केक का, सालो आराम खोरो। रुक जाओ नहीं चाहिए इतने, भाग जाओ यहाँ से। एक तो बना ही दिया और बढ़ाने लग रहे थे। चलो चलो हट जाओ यहाँ से। गाइस अभी मेरे को एक और मस्त सी ब्रीडिंग करानी है, सो लेट्स गो। एक उसमें अपने को लगेगा ग्रीस बोल्ट, जो कि अभी अभी मैं लेके आया ना भाई। अच्छा अरे लेके आया लेकिन इसको खोला नहीं, अंडा फोड़ो भाई इसका। लेट्स गो अपने को एक और ग्रीस बोल्ट मिल चुका है, इस ग्रीस बोल्ट को अपन रखेंगे इसके अंदर। बट नहीं हाँ इसमें से ओके डाइट लवर है ये, पता है ये जो डाइट लवर है ना इनका जो सान है वो बहुत धीरे धीरे करके खत्म होता है, ठीक है? तो ठीक है अब डाइट लवर, दोनों ही डाइट लवर है इसके अंदर, तो एक अपने को रखना है यहाँ पे ये, और दूसरा अपने को रखना है कहाँ गया वो बंदा, अरे उसका नाम ओके ये रहा रिलैक्सोसॉरस। लेट्स गो इधर आ ब्रो, कहीं जाने का नहीं तुम, आज तुम लोगों की ब्रीडिंग कितनी करवा दूंगा इतनी। अरे यार तू देख तो इसको एकदम अंदर छोड़ना पड़ता है। ओके ये ब्रीडिंग फार्म पे लग चुका है। दूसरा अपना ग्रीस
ग्रीस बोल्ट इतनी दूर पता नहीं क्या करने गया है भाई आदमी, चल भाई इधर। और ये गया अपना ग्रीस बोल्ट। और अभी देखो गाइस इन लोगों का प्रोडक्शन भाई बहुत तगड़ी चीज निकलने वाली है। इसका तो नाम मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन हाँ ये जो अपन ने इससे पहले एक वो रखा था ना रे हाउंड, उसके जैसा सा बंदा है कुछ तो। होने दो इन लोगों की ब्रीडिंग होने दो। अगर अपन उस बंदे को जर्मनोटाइड के पास लेके जाते ना भाई, जर्मनोटाइड की वो ऐसी गंदी बैंड बजाता ना। लेकिन हाँ अपने को जब पता नहीं था, जब नॉलेज नहीं थी अपने को, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ओर्स बन रहे हैं, ओर्स बनवाने रख देते हैं। और यार अगर मैं इसको पूरे को तोड़ देता हूँ, ठीक है, और इसके ऊपर मैं छोटा सा कुछ लगा देता हूँ तो शायद ये स्टोन वापस नहीं आना चाहिए। देखते हैं, लेट्स ट्राई। ओके, मैंने पूरा स्टोन तोड़ दिया है और मेरे को पता ये कहाँ पे है, ठीक है। तो मैं इसकी जगह पे मैं लगवाऊंगा एक यही लगवा देता हूँ, बस मेरे को टेस्ट करना है कि वो स्टोन वापस नहीं आए, क्योंकि यार गंदे से लगते हैं स्टोन वगैरह आ जाते हैं ना। ओके डन, मैंने यहाँ का सही कर दिया। और तुम लोग काम क्यों नहीं कर रहे? अरे भैया, अरे अरे तुम यार, तुम साले दोनों लौंडे हो। ओके फीमेल मिल गई ना मेरे को, ले इधर, मैं लेके फिर रहा था फीमेल तो। अरे रुक जा साले, भागी जा। अरे तो सारी ऐसी क्यों होती है गाइस, डोंट टेक अदरवाइज। हां लेट्स गो, अपन ने पकड़ लिया इसको। ले भाई करो करो ब्रीडिंग, करो ब्रीडिंग करो। एक तुम लोगों के चक्कर में अटका हुआ था मैं, चलो अभी ये मस्त एकदम लव बॉल ब्लॉसम हो रहा है इन लोगों के बीच में। हाँ अभी मेरे को जो है थोड़ी बहुत और अपग्रेडेशन करने की है, बाकी केक बन रहा है, पहले केक बनवाओ। दो केक और बन रहे, ठीक है। केक मैंने अंदर रख दिया ना उनके पास, हाँ उनके पास केक रख दिया है। बाकी एक खाना है, इसको खाते हैं, आधी हेल्थ हो गई पूरी भाई। लेट्स गो, अभी मैप में मेरे को देखने दो अपन कोई अच्छी जगह जा सकते हैं कि नहीं। मेरे को ये एरिया एक्सप्लोर करना है, मेरे को जहां तक याद है यहाँ पे कोई तो पहल है, बट वहां जाने से पहले फिर वही बात है यार, मैं पिटपुटा के आऊंगा। इससे अच्छा मैं सो जाता हूँ और दिन कर लेता हूँ। और आज के दिन अपन एक काम कर सकते हैं क्या, एक सेकंड को, मेरी लेवल कितनी हो गई भाई? मेरी लेवल यार अब भी हुई है 33 लेवल की, और अब मेरे को बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन वगैरह करना पड़ेगा 34 लेवल के लिए। एक गाइस ये अनलॉक कराना है मेरे को, उससे पहले ये पॉलीमर बनवाते हैं। और पॉलीमर, एक सेकंड रुको, ये पॉलीमर काम किस में आता है ये देखने दो मेरे को। मेरे पास थोड़ा बहुत पॉलीमर पड़ा भी है, काम किस चीज में आ रहा है ये पॉलीमर, मुझे तो यही समझ नहीं आई। छोड़ो गाइस, क्या सेंस बनता है भाई पॉलीमर ओपन करने का जब कोई काम ही नहीं आया अभी। बाकी एक मेरे को ये इसकी शैडल अनलॉक कर दूंगा, ये कितनी तेज दौड़ेगी मेरे को पता नहीं है भाई। और एक अपने पास समनिंग अल्तार आया है भाई, इससे अपन किसी को समन कर सकते हैं क्या भाई? इसको अनलॉक करना है मेरे को, बट नहीं अनलॉक कर पा रहा मैं, मेरे पास टेक्नोलॉजी पॉइंट नहीं है। टेक्नोलॉजी पॉइंट 3 में अनलॉक होगा वो, ठीक है कोई बात नहीं। एंशियंट टेक्नोलॉजी पॉइंट में शायद बॉस, नए बॉस स्पेल्स को मार के मिलता है ना, ठीक है मार देंगे नए बॉस स्पेल्स। ओके इनका काम होने वाला है, इनका काम होने के बाद ही मैं कहीं जाऊंगा, क्योंकि वरना फिर यार ये भीड़ इकट्ठी कर देंगे और मेरे को वो भीड़ चाहिए नहीं, मेरे सारे केक वेस्ट हो जाएंगे। दिक्कत ये है भीड़ चाहिए लेकिन केक वेस्ट हो जाएंगे। और गाइस ये रही वो मशीन जिससे अपन अपने पेल्स की पैसिव स्किल शायद अपग्रेड कर सकते हैं। गाइस ये देखो 1 2 3 ऐसे ये जो लैम्प बॉल्स है ना अपग्रेड होती हैं। देखो अपन इनकी वो देख सकते हैं नीचे पैसिव स्किल्स किसकी कितनी कितनी है, और जिसकी सबसे अच्छी वाली हो ना उसके अंदर अपन सबको ऐड करा सकते हैं। जैसे अपन जो सबसे पहला सिलेक्ट करेंगे ना उसके अंदर अपन जिन पे भी क्लिक करेंगे उनकी शायद स्किल इस पे ऐड हो जाएंगी। तो अपन देखो अपने पास ये लक्की वाली है लैम्प बॉल, इसके ऊपर अपन व्हील ऑफ डार्कनेस डाल दें एक, और इसके अंदर एक नेगेटिव है यार, इसमें एक ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, जितने भी पॉजिटिव स्किल्स है ना वो मैं सारी डालने वाला हूँ, ठीक है। एक और चाहिए अपने को ये, बट छोड़ो अपन इसको करा के देखते हैं, उसमें तो अपने पास था नहीं इतनी अच्छी चीजें, बट यार इसमें भी इतनी अच्छी चीजें है नहीं। अपन एनुबिस पे करा के देख सकते हैं, पता है अपन बॉस एनुबिस को मेन पे रखेंगे और बाकी जो छोटी छोटी एनुबिस है ना उन सबको अंदर डाल देंगे। बाकी अपने पास ये 3 बॉस स्पेल्स हैं, ठीक है, इन 3 बॉस स्पेल्स को रखते हैं, ये सबसे ज्यादा अच्छा है शायद, नहीं अटैक में यार ये इतना बढ़िया नहीं है, बट ठीक है इस पे क्लिक करते और इन दोनों को इसके अंदर डाल के देखते हैं। बिगन पेल यूज्ड एंड एसेंस विल बी वैनिश्ड, पता नहीं गाइस ये कुछ तो हो रहा है। ओके कर दिया है मैंने, भाई ये क्या हुआ? अबे छी यार फालतू चीज है, मेरे 2 पेल्स चले गए और उसका रनर का रनर ही रहा। बाकी अच्छा अपने ये आ रहा है एक अपग्रेड करने का, तो क्यों ना अपन हेल्थ अपग्रेड करें या फिर वर्क कट डिफ। भाई ये 2-2 करके क्यों बढ़ रहा है अटैक? लेकिन ठीक है अपन अटैक बढ़ा लेते हैं अपना। मर्चेंट भाई साहब रुको जरा, तुम्हारा आजकल बहुत काम पड़ता है हमको, आजकल तुम वैसे हमारे यहाँ घूमने आ ही जाते हो तो अच्छी बात है, लेकिन लाते तुम फालतू चीज हो, घटिया से घटिया चीज जो ला सकते हो। और भाई यार ये अंडा 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 कर, ओहो अंडा कर दिया, इन्हें अंडा कर दिया। गाइज अभी दिखाता हूँ तुम्हें इस अंडे का फंडा, एक और अंडा कर ले दो इन लोगों को, ठीक है। यूज ड्रैगन एग आया है अपने पास, अभी देखो तुम कौन सा ड्रैगन अपने घर में आने वाला है। इन 3 2 1 गाइज और सेक, हाँ इसका नाम और सेक था। और गाइज ये देखो तुम, ये रहा वो तगड़ा वाला बंदा, इसको निकालता हूं मैं बाहर। और ये देखो भाई है ना चीज, कहां जा रहा है साले, रुक जा। अरे साले सबकी सब इलेक्ट्रिसिटी क्यों देने लग जाते हो, इधर गाइज इसको देखो भाई, ये छोटा मोटा मत समझना इसको तुम, इसकी बहुत तगड़ी अटैकिंग पावर है, 4th लेवल की इसकी इलेक्ट्रिसिटी पावर है, बहुत ज्यादा तगड़ी चीज है गाइज। ग्रीस बोल्ट की भी नहीं थी इतनी तो। बाकी गाइज ये एक और अपने पास आ रहा है, एक और आते ही अपन केक हटा लेते हैं यहां से, ठीक।
ठीक है, करो भाई जल्दी जल्दी करो ना, इतना धीरे धीरे मत किया करो। बाकी अपन इससे पिछले एपिसोड में ये ट्राई कर रहे थे कि जर्मिनोटाइड को पकड़ के क्या अपन अपनी ईएक्सपी बढ़ा सकते हैं कि नहीं, बट उसको पकड़ने से पहले अपन सुजाकू को पकड़ के आए क्या, क्योंकि सुजाकू है अपने पास फायर टाइप बंदा जिसके लिए वाटर टाइप चाहिए, और वाटर टाइप मेरे पास अच्छे खासे हैं, मतलब इतने अच्छे भी नहीं बोलूंगा, लेकिन जैसे देखो एक जर्मिनोटाइड है अपने पास, ठीक है, और बाकी इनको लेके यार नहीं यार ये काम की चीज नहीं, पता ये अरवा देंगे, मैं पंगा लेने नहीं वाला, छोड़ो अभी इनका अंडा हुआ कि नहीं हुआ, अंडा हुआ हो तो मैं ओके डन, अंडा अपने पास आ गया है भाई, तुम आगे मत करो काम, ठीक है, अरे यार हट जा साड़ी भग जाए, अंडा उठा दे मेरे को, ओके डन, मैंने अंडा ले लिया यहां से, अभी इन दोनों को उठाने की बारी, एक की जगह पे ये रख देते हैं, एक की जगह पे ये रख देते हैं, लेट्स गो, मेरे पास एक और अंडा आ गया, इसको रखते हैं इसके अंदर और भाई को बाहर निकालते हैं, डन, अपना और सेक एक और आ गया है बाहर, बाकी ये पार्टी में आ गया होगा शायद, नहीं ओके पार्टी में अपने पास ग्रीस बोल्ट है, ग्रीस बोल्ट को लड़ा के देखना है, एक अपन ये भी लेते हैं, इसको भी लड़ा के देखेंगे किसी ना किसी से, तो आजा बड़ी फर्स्ट लेवल के हैं भाई ये गाइस, इन लोगों का अटैक अपन चेक करते हैं अपने मेहमत के ऊपर, लेट्स गो फटाफट से चलते हैं भगते हुए, उतरो ओके डन, अपन ने ग्रीस बोल्ट को छोड़ दिया है और ये छोटा छोटा सा डैमेज दे रहा है एक एक का यार, एनोवी इसको छोड़ के देखते बेटे, ये ले अब बोल साले, वो ना छोटे बंदे थे मैं बस टेस्टिंग करने आया था, तूने उसको मार दिया, अब तू मरेगा, कुछ नहीं कर पाएगा तू उसका, कुछ नहीं कर पाएगा तू, वो पापा है पापा, ये ले, रुक गयो, इससे लड़ने दियो एक बार, इससे मेरे को लड़ा के देखना, अरे अरे साले बैठे फड़ी हैं, आज तो एनुबिस से ऐसी ऐसी चीजें करवा दूंगा, मैं इनको पकड़ लेता हूँ, दूर से पकड़ में आएंगे, आ गया लंडे, पापा से नहीं तेरी, अरे एक बच्चे से आ गए लोग हैं, अरे कौन सी स्फीयर खराब कर रहा हूँ इन पे, मैं गीगा स्फीयर में पकड़ लेते हैं भाई को, इतना रहम कर देंगे हम इन पे गीगा स्फीयर, अरे मार साले को मार, ले भाई एक हाइपर स्फीयर फेंक दिया मैंने, आए तो आ जा बढ़िया, वरना मत आ यार, तू भी क्या याद रखेगा साला, नहीं आ, ओए मेरी हेल्थ की बैंड बच गई, मर जाऊंगा साले, आ जाना भाई, यार मैं हाइपर स्फीयर खर्च करा दिया यार, ये फिर घटिया चीज है भाई, 107 108 मेरे पास वो थी यार स्फीयर, वेस्ट करा दी इसने सारी, हट छी भाई टट्टी यार, 10,000 की एक्सपी मिली लेकिन नाइस भाई, झंडे झंडे जा रहे हैं अपने घर पे, रुक जाओ एक सेकंड मुझे देखने दो, थोड़ी बहुत और बॉल्स बनवा देता हूँ मैंने, फालतू में पंगा लिया, ठीक है बन रही है बॉल्स, एक ही बॉल बन रही है, किस चीज की कमी है भाई, पैलेडियम फ्रेगमेंट यार, पैलेडियम फ्रेगमेंट बनवा देते हैं अपन 200-300, ठीक है इतने बन जाएंगे जितने बन जाएंगे, अभी गाइस अपनी अगर ईएक्सपी इतनी अच्छी अच्छी तरीके से बढ़ी रही है तो क्यों ना यार अपन अच्छे अच्छे बंदे लेके चलते हैं और फाइट करके आते हैं एकदम मस्त बड़े बड़े लोगों से, क्योंकि ना अपनी ईएक्सपी ऐसे नहीं बढ़ेगी, ठीक है मेरे को एक और कोई तो तगड़ा बंदा चाहिए, क्यों ना यही लेके चलूं, ये लेवल 1 का ही है बट यार, लेकिन इसको लेके खेलेंगे तब ये लेवल इसकी अपग्रेड होगी, ठीक है वो तो जो भी है, अब इसको लेके खेलते हैं, एक सेकंड इसको क्यों लेके खेल रहे हैं, इसको लेके खेलते हैं, ये अपने आप अपग्रेड होता रहेगा, इसको अंदर रखते हैं, चलो लेट्स गो, मैं कहां जाने वाला हूं मुझे कुछ नहीं पता, देखने दो मेरे को यार, इनको पकड़ने का कोई मतलब नहीं है, 23-23 लेवल के, ठीक है अपन पकड़ते हैं कोई 40 के ऊपर लेवल वाला बंदा, सुजाकू ही पकड़े क्या, मेरे पास पार्टी के अंदर ये बंदे हैं, ठीक है और मुझे नहीं लगता इससे और कोई अच्छे बंदे मेरे पास होंगे, तो मैं रिस्क लेके देख रहा हूँ, लेट्स गो, देखी जाएगी जो होगा, मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं करी है, पहली बता रहा हूँ मैंने नहीं करी प्रिपरेशन, लेट्स गो सीधा जाना होगा मेरे को, इससे पिछले मैच में मारा था यार इसको, मैं मार नहीं पाया था बस इस बार, लेकिन मैं मार के जाऊंगा जब आया हूँ ना, 3-4 बार आ गया मैं, हट जा भाई हट जा, मैं जा रहा हूँ बड़ी फाइट करने, ये बंदा है शायद, हाँ यही बंदा है, मैंने पहला ही बंदा छोड़ दिया, जा भाई कमांड दे दी गाइस मैंने इसको, कर अटैक, ओके यार ये कोई उड़ने वाला बंदा छोड़ना पड़ेगा मेरे को, ऊपर जाके मारना, नीचे से क्या मार रहा है, देख साले कबूतर की प्रजाति का होके बावलीपंती कर रहा है ये आदमी, पता नहीं किसको मार रहा है, इसको ना मेरे को अटैक करना पड़ेगा, ये ले अब माना आया, अच्छा वो नीचे आता है अपन को, ओ भाई गलत बंदे से पंगा लिया है, लेकिन फिर भी मारने का फुल ट्राई करेंगे, ओके जर्मिनोटाइड बहुत सही जा रहा है, आजा बेटे आजा मेरे पे आ जाओ यार, ये भाई यहां पे एनुबिस कुछ काम नहीं कर पाएगा, मार एनुबिस, यस भाई अगर इसका एक अटैक पड़ रहा है ना तो बहुत खतरनाक पड़ रहा है, या तो पड़ ही नहीं रहा है या तो पड़ रहा है तो बहुत खतरनाक पड़ रहा है, कोई हवा वाला अटैक नहीं है क्या इसके पास, सब ग्राउंड अटैक करता है ये, ओके वो नीचे आया, उसके अटैक में नहीं फंसने का, ये ले लो भैया ले लो, अब भाई अभी इसकी एचपी कम हो रही है, अभी एग्रेसिव होगा बहुत गंदा वाला, ठीक है 1,000 की एचपी रह गई है, सुजाकू कुछ नहीं उखाड़ पा रहा भाई, कुछ नहीं उखाड़ पा रहा, ओके उसका वो आ गया, अरे नहीं यार कूदने वाला अटैक इज द बेस्ट भाई, जो कूद के अटैक करता है ना अपनी एनुबिस, सिस्टम है भाई का, अब इससे लड़वाते हैं, तू अंदर, अबे नहीं ऐसे मत लड़ो यार, 550 ओके 300 की एचपी सही है भाई, ये ले एक बार मैं फेंक के देख लेता हूँ, क्या पता आ जाए, मार मार मार, वो तो मुझे लग ही रहा था नहीं आएगा, बस क्या पता वाला बात है, ओए बस
भाई गया। आजा यार देख, अब ये परेशान मत करना यार, देख बॉल खराब होती है एटलास्ट तो तुझे पकड़ नहीं है। तो देख बात ऐसी है, अपन डील कर लेते हैं, घर जाके मैं तुझे ना तगड़ा वाला खाने खिलाऊंगा। अरे यार ये आदमी भाई बॉल 90 करा दी बॉल की। भाई यार आजा भाई यार, ऐसे मत कर यार, नहीं मार रहा, तेरे को लेना ही नहीं है, तेरे को लूंगा ही नहीं मैं गीगा स्फीयर फेंकूंगा। ये ले गीगा स्फीयर फेंक दी तेरे पे मैंने। आजा भाई आजा, अरे तेरी भैंस का लकड़ा। भाई तू जा, क्यों आ रहा है भाई, नहीं आना, तेरे को ऐस तैस करा तू। सॉरी, 24,000 की एचपी मिली गाइज अपने को इससे। लेट्स गो गाइज, अपन ने सुजाकू पकड़ लिया है यार। पूरी 10-10, 20-20 बॉल खर्च करा देते हैं यार ये लोग। तो घर चलते हैं, और घर चल गया मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को अपना एक तगड़ा पहल सुजाकू। उससे पहले सोच जाते हैं, कोई सा तो पेट चमक रहा है। अच्छा ये, अबे अरे अरे चिकी पिकी ब्रो, आई एम कमिंग। हेलो बॉडी, हाउ आर यू, कौन अटैक हो गया इससे? ओके अपनी चिकी पिकी आ गई गाइज, चिकी पिकी। एंशियंट सिविलाइजेशन पार्ट मिलता है इन पेल्स को पकड़ने से। कौन सा, ये लकी पेल्स को पकड़ने से। गाइज इसको पकड़ सकते हैं क्या? इसका कैप्चर रेट लिखा आता है देखो तुम, अगर अपन गीगा स्फीयर फेंके। भाई पकड़ रहा है ये, बट ये भाग रहा है, भाग क्यों रहा है? शिट यार, पहले गीगा स्फीयर फेंकनी चाहिए थी मेरे को। आजा गाइस, ये वंडरिंग मर्चेंट आ गया मेरे पास। तो अब इस मर्चेंट का करूं क्या मैं? ये रहा वो मर्चेंट, ठीक है अब कैसे फाइट करूं मैं? ये मैंने उतार दिया इस मर्चेंट को। ओ भाई गाइस, ये मर्चेंट क्या फाइट करेगा अपने लिए? लेट्स सी, आज तुम्हारे सामने आ रहा है ये मर्चेंट, लड़ेगा तुमसे। भाई मरेगा मर्चेंट साले, पागल है क्या यार? ये मर्चेंट काम क्या करेगा मुझे देखने दो, कुछ तो काम करेगा, ऐसा नहीं हो सकता भाई। अगर ये रांच में लग जाए ना, ये भी घास फूस खाए और काम वाम करे ना भाई, मजा आ जाए। सही बता रहा हूँ, इसको रखते हैं अपन इसकी जगह पे, ठीक है? कहाँ पे है भाई तू? मेजर इंजर्ड क्यों है, क्या है तेरे से? मैं साले तेरे को मैंने पाल रखा है, फिर तेरे से मैं क्यों खरीदूं ये? मैंने अंडे खरीद लिए वैसे बहुत सारे, ये लो गाइस। ये शायद अब अपने बेस पे घूमता रहेगा, जब अपने को चाहिए जब इससे ले लो। सही है भाई, सही है, मैं सबको पकड़ लाऊंगा एक एक करके ऐसे। तो गाइस अपने पास एक वंडरिंग मर्चेंट आ गया है, अपनी कुछ पाल बन गई है और बनवानी है मेरे को, जिसके लिए पैलेडियम फ्रेगमेंट की कमी है, और पैलेडियम फ्रेगमेंट के लिए मैंने बनवाया था कुछ पैलेडियम फ्रेगमेंट। ओके बन गया है, कितना बन जाएगा बॉल्स? ओके 58 बॉल्स बन रही है भाई, किसी चीज की कमी नहीं, मजा ही मजा, जिंदगी ऐसी हो भाई। अब आ रहा है ना मजा भाई खेलने में, सिस्टम हो गया भाई सिस्टम। अपने को बनवाना है सिंगल शॉट स्फीयर गन, ठीक है, जिसके लिए पैलेडियम फ्रेगमेंट चाहिए। ये मैंने अनलॉक करी थी बट बनाई नहीं, रुक जाओ मैं 50 पैलेडियम फ्रेगमेंट लेके आता हूं सबसे पहले। भाई बन गए क्या? 7 ही बने यार, बनाओ ना जल्दी जल्दी, क्या कर रहे हो? इससे उतरते हैं और इसको अपन इस पे काम पे लगाते हैं। चल भाई फटाफट फटाफट अब मेरे को पैलेडियम फ्रेगमेंट्स दे दे। ओके 27 पैलेडियम फ्रेगमेंट भी बन गए। बाकी केक की कमी के लिए केक में क्या कम पड़ गया था? हनी कम पड़ गया था भाई, हनी नहीं बन रहा क्या तुम्हारे यहाँ? वाय मधुमक्खी कहाँ है साली? एलिजा बी तो ठीक है, बी गार्ड कहाँ है? बाकी अपनी पैलेडियम फ्रेगमेंट बन गया, क्यों ना इस पैलेडियम फ्रेगमेंट को अपन लगवा देते हैं यहाँ पे। ओके यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे ये गाइज सिंगल शॉट स्फीयर लॉन्चर, इसको बनने देते हैं। अरे ये तो रही एलिजा, अबे तुम्हारी भैंस का लकड़ा, क्या कर रही है तू? इधर आ साली, ये जब फालतू के कामों में लगी है तू, काम कर चुपचाप। भाई हनी नहीं दे रही, बताओ इतनी देर हो गई, पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ आया मैं इसको। यार इसको बनाओ ना जल्दी जल्दी, कहाँ है अपनी एनओबी, कहाँ है भाई? ये ले, काम कर काम, लेट्स गो भाई। स्पीड देखते हो तुम कितनी तेज हो जाती है इसकी बनने की। और ये बन के रेडी हो चुका है, अभी मेरे ये क्या काम आएगा मुझे ये देखना है, ठीक है? तो इसको मैं क्या गन, अबे ये गया कहाँ? ये रहा, इसको लगाते हैं इसमें, ठीक है? और अगर इसको मैं सिंगल शॉट स्फीयर लॉन्चर, गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे स्फीयर लॉन्च होगा, ठीक है? अभी मैं ट्राई करने वाला हूँ। ओके इससे शॉट लगा सकते हैं, दिस इज नाइस। अरे यार भाई मर जाएगा, मर जाएगा भाई, मर भाई, मतलब क्या है लेकिन इससे शॉट लगाने का? व्हाट इज द मतलब, व्हाट इज द, व्हाट इज बेनिफिट? मैं हाथ से भी तो फेंक सकता। इट कैन कैप्चर द पेल्स दैट आर अ डिस्टेंस अवे। ओके मेरी बताऊं किस काम में आएगा, बताऊं ये, बताऊं मैं तुम्हें बताऊं भाई? इसे चलते चलते पकड़ लो, वही बहुत है। अरे देख एक तो इन लोगों के नखरे, मैं क्या अगर ऐसे पैल्स इकट्ठे कर करके अगर इनको बेचू ना भाई, बहुत तगड़े पैसों के मिलेंगे, बहुत तगड़े पैसों के जाएंगे ऐसे में। ओके डिस्टेंस अवे को भी पकड़ सकता है ना ये? अरे तो यार ये पकड़ते हो, देखना 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 यार, एक तो आधी तो बॉल्स खराब हो जा रही है, देखना सालों तुम। इससे अच्छा तो मैं हाथ से फेंक लूंगा, देखो अभी हाथ से फेंकने में भी नहीं आ रही। खाली ज्यादा दादा हो गई हो क्या तुम? एक एक गोली की होनी तुम, ठीक है? रुकना रिलोड करने देना बेटे, ये अब बोल। तंदूरी चिकन बन गया इसका, चिकी पिकी पोटी बन गई, चिकी पिकी पोटी। अरे उस नाइट विंग को पकड़ना था यार, उड़ती हुई को, रुक जाओ ये फेंका मैंने नाइट विंग के ऊपर। नाइट विंग वेट फॉर अ सेकंड ब्रो, क्या है? आ जाओ ना यार, नौ नौ लेवल की तो हो तुम, इतने तो तुम तगड़े प्लेयर्स भी नहीं, तभी कह रहा हूँ इतनी बुद्धि भी नहीं है तेरे में जो मेरे को तुम मार पाए। तो इससे अच्छा है आई जा भाई, इसका आएंगी नॉर्मल जो स्फीयर्स है ना मेरे पास। सही है भाई, इसको निकालो, घोड़ी को, घोड़ी चल मेरी। अच्छा तू भी आ गई क्या? इधर साले बकवास मत करे, देख मैं बता रहा हूँ तेरे को, पकड़ साले को।
भाई भाग्या आदमी बदमाश है भाई, बदमोशी बदमोशी भाई। बचपन मेरा बाप बदमोश था, बदमोश है, बदमोश रहेगा, है वो वाला सीन है भाई का। आ जाओ चुपचाप आ जाओ, बदमोशी मत करना मेरे सामने, बदमोशी कर दी बदमोशी तुम लोगों ने, मना करी थी बदमोशी करने को, आ जाओ चुपचाप आ जाओ। अरे यार ये बदमोशी कर रहे हैं भाई, एक तो बदमोशी मत करो ना भाई। भाई तू भी आएगा क्या? नॉर्मल स्फीयर में एक बार के लिए तो वो कैच हो गया था, इसको पकड़ सकते हैं क्या? ओके पकड़ सकते हैं। साड़े बकवास नहीं करिए, आजा अभी इसको पकड़। भाई मैंने तो लौंडा पकड़ लिया, मैं तो ये कह रहा हूँ, सब कुछ छोड़ो तुम, मैंने लौंडा पकड़ लिया। कतई एकदम से खर्च करा के सी मांगेगा 34 लेवल भाई। सिस्टम भाई, मैं तो ऐसे लेवल कर जाऊंगा, मेरा क्या गया? मैंने तो ये भी नहीं देखा मैंने कितनी लेवल बढ़ रही कितनी नहीं बढ़ रही भाई। अरे रुकने साले, बात कर रहा हूँ ना, जब बात कर रहा हूँ ना बीच में तो मत बोला करो, मत करा करो उंगली, मत करा करो बीच में। भाई तुम ये देखो गाइस, मस्त तगड़ा आइडिया आ गया मेरे को ये अनलॉक करना है। फर्नेस में अभी बनाने वाला हूँ, एक बीकन सैडल में मैं अभी बनाने वाला हूँ। हाँ मेरे को, क्योंकि भाई रिफाइंड मेटल भी मिल गया। यार रिफाइंड मेटल कहाँ मिलेगा मुझे ये नहीं पता है बस। तगड़ी चीज देख रहे हो तुम भाई, सिस्टम हिला देंगे बाबा का, क्या बोलता है तू? हिला देंगे ना? अरे छोड़ भाई, तू क्या ही बोलेगा तू साले। भाई 11-11 करके एक्सपी तगड़ी मिल रही है भाई। आ जाओ यार, ऐसे नहीं करो। इधर किसको मार दिया तूने? इधर भी तो मेरे सिस्टम घूम रहे थे अभी, ये पड़ी। अरे यार लो यार, तुम है ना, तुम यार मान नहीं रहे, तुम मानोगे नहीं, बिल्कुल नहीं मानोगे, तुम बिल्कुल खत्म ही करके छोड़ोगे मेरे को। ये दिन आ गए मेरे। अबे 2000 की एक्सपी कैसे मिल रही है? छोटे छोटे बंदे पकड़ो भाई। गाइस 35 लेवल अब भी ऐसे आराम से हो सकती है, बट यार बहुत मतलब बहुत मजा आ रहा है, मैं खेलते रहूंगा ऐसे। तो क्यों ना ऊपर चलते हैं, और एक अपने को मिल गया, एक मस्त सी चीज मिल गई है। अरे आ जा यार। ओ अबे तुम, ये चाहिए। एबिलिटी देखी थी अभी। हेलो गाइज, आई एम बैक, लाओ मेरे को बोल दो भाई बोल, ठीक है? मेरे को बहुत जरूरत है इन बॉल्स की, क्योंकि अब मेरे को तरीका आ गया है किसी चीज का, सिस्टम पार देंगे अब अपन। लेट्स गो गाइज, आज मैंने अपनी 34 लेवल कर ली, अब मेरे को बनाना है अगली सुबह उठ के। अरे हट जा भाई, ये बहुत काम की चीज है, मेरे को लगा था क्यों बनाया है मैंने। व्हाट इज द बेनिफिट, देख रहे हो तुम? बेनिफिट देख रहे हो तुम? लो भाई, अब अपन बनाते हैं अपना फटाफट से इम्प्रूव्ड फर्नेस, जो कि यहाँ बनाने का कोई सेंस नहीं बनता, बट यहाँ एक बनाना तो पड़ेगा ना, क्योंकि अपने को थोड़ा सा पायल बॉक्स अपग्रेड करना है। लेट्स गो, अपना फर्नेस बनने वाला है और ये बनके रेडी गाइज। भाई देखो तुम फर्नेस देखो, क्या सही लग रहा है। और इसमें रिफाइंड इंगट बना सकते हैं, ये किससे बनता है? ओर और कोल से। ठीक है, अब से मुझे ओर भी इकट्ठा करना पड़ेगा, समझ गया मैं, इससे रिफाइंड वो बनेगा मेटल। सही है भाई सही है, और अपना बेस हो गया 16 लेवल का। अब अपने को चाहिए बिल्ट लार्ज पाल बेड, टेक्नोलॉजी में चलते हैं। इनका लार्ज पाल बेड किधर है भाई? भाई यार इनने ना अलग भाई उसी बना रखी, देखो 36 लेवल पे बनेगा लार्ज पाल बेड। कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं, मेरे को तो एक चीज बनवानी है जो की है बीकन सैडल यार। इलेक्ट्रिक ऑर्गन और पैलेडियम फ्रेगमेंट के से बनेगा यार। इलेक्ट्रिक ऑर्गन और पैलेडियम फ्रेगमेंट लेके आए कि अगले एपिसोड में? गाइस अभी लेके आते हैं इलेक्ट्रिक ऑर्गन। बाकी मैं एक सेकंड अपने पाल ड्रैक में देख लेता हूँ मेरे को ये वाले बंदे कहाँ मिलेंगे। ठीक है, मैं सही जगह पे नहीं हूँ, थोड़ा सा मुझे आगे जाना है, यहाँ पे यहाँ करीबन। ठीक है निकल भाई, आ जा। अरे मत मारे इनको, मत मारे, क्या मिल रहा है इनको मारने से? इनको अपन ऐसे करके पकड़ लेंगे। अबे यार ये तुमने गड़बड़ कर दी ना यार, ये नहीं करना था, बस कुछ भी करना था ये नहीं करना था। अबे मैंने दो बॉल्स, अब मैं नहीं ले रहा, रुक जा यहाँ से, मुझे जाना है इधर की साइड। ठीक है ओके गाइस, यहाँ पे एक भी नहीं है और उनकी हैबिटेट है, बताओ ये हैबिटेट बता रहा उनकी, कोई बात है ये? छोड़ो ओके, मिल गए मेरे को, मिल गए ये। मारो साड़ो को, मारो भाई मारो, इन्वेंटरी फुल। अबे इनको मारने से ज्यादा मिलता है कि इनको अपन अगर उठा ले मतलब तुम समझते हो ना, उठा ले। अरे हट रे तू। ओके एक उठा के देखते हैं अपन। हाँ एक हाइपर स्फीयर वेस्ट कर रहा हूँ मैं फालतू में, लेकिन ठीक है मुझे देखना है कि एक ही मिलता है भाई, फालतू में वेस्ट कर दी मैंने। लेट्स गो, घर जा रहा हूँ मैं खरीद लूंगा बाकी। अरे यार अब मैं घर जाने के नाम पे आया ना, तो देखना कितने सारे मिल गए। ओके आजा बड़ी, चलते हैं घर पे अपन। अपने पास वंडरिंग मर्चेंट किस बात का है भाई? इसी बात का तो है, इस बंदे से अपन खरीदेंगे। इधर इधर साले, इधर आ, बकवास मत करियो बिल्कुल। अरे यार लेकिन ये वो वाला नहीं है ना। अच्छी भाई चल वापिस चला जा। गाइस इस मोटी वाली से अंडा दिलवाएंगे, देखते हैं इसका अंडा मोटा आएगा कि नहीं। लेट्स गो, अबे तू हंगरी है तो ऊपर क्या कर रहा है? गाइस क्या खाना फिर से खत्म हो गया है? अबे ये अंदर जाके सो गया। अंधे राजो में काना राजा ये एक, देखना देखना खाना तो खूब है भाई, ऊपर क्यों झड़े बैठे हो तुम? है जरा बताओगे हमको, क्या मजबूरी आ गई तुम्हारी? इधर आओ मेरी बात मानो, चाय पियोगे चाय नहीं पियोगे तो चुपचाप इसमें जाओ। चलो खाना खा के आएगा अभी आदमी पहले। गाइस मेरे को यहाँ जाना पड़ेगा इलेक्ट्रिक ऑर्गन लेने, तो इलेक्ट्रिक ऑर्गन लेते हैं यार। देखो किस पे मिलेगा, शायद इस पे नहीं, इस पे मिलना चाहिए मेरे। जहाँ तक तू अंदर आ जा, इलेक्ट्रिक ऑर्गन मिल जाए भाई, मिल जा सिम सिम, मिल जा सिम सिम, मिल गया।
मैक्स अपन यार नहीं नहीं चाहिए, चल बाद में आऊंगा एक सेकेंड। शिट गाइस गड़बड़ हो गई। बेटे मैंने अगर एक छोड़ दिया ना बंदा तो तुम बचोगे नहीं, बट मैं छोड़ना चाह नहीं रहा था, मैंने छोड़ दिया। ओके भागा ये भागा। ओके शिट यहाँ नहीं मरना चाह रहा मैं, यहाँ नहीं मरना चाह रहा मैंने बोल दिया जब तुम्हें। खाना खा। मैं ध्यान नहीं दे रहा, मैं उसको पकड़ने में लगा हुआ हूँ। सालो तुम और को तुम्हारी तो ऐसी बैंड बजाऊंगा ना जब तुम वांटेड वाले आ जाते हो ना। एक बार मेरी एचपी रिकवर होने देना जरा। मैंने अपना एनोबिस नीचे छोड़ दिया, यहाँ पे कोई नहीं हो बस। मर्चेंट कहाँ है? वंडरिंग मर्चेंट ही रहा। यार ये एनोबिस वगैरह नहीं मारते क्या इसको? ओके मार रहा है यार इधर नहीं बट इधर। इसको नहीं इसको मार यार, ये इसको मार रहा है यार, इसको मत मारे। अबे नहीं इधर आओ। भाई मुझे ये पकड़ लेंदे यार बस। अबे साले उसको मारने के लिए तुम मेरे को मारने आए? मारियो साले को, बताइयो आज भाई यहाँ से मैं। यार भाई इसने मार दिया यार उस आदमी को। शिट। कोई बात नहीं, मेरे पीछे पीछे आओगे ना बेटा? आओ तुम आओ, घर पे मिलेंगे। ओ भाई क्या यार, मर्चेंट पकड़ने गया था, एक मर्चेंट मार दिया इन लोगों ने। स्वागत है भाई, तुम लोगों का स्वागत है, आ जाओ। इसको भी पकड़ सकते हैं भाई, अटैक करने के काम आएगा ये आदमी, प्रोटेक्शन करेगा। पिट गई बेटे, ले लिए मजे, और लेने थे मजे। अरे रुक तो जाओ जरा, देख तो लेने दो कैसा है। अरे भैया मार दिया भैया। ओके कॉइंस वगैरह मिल रहे बट इससे अपने को है। जाओ भाई जाओ, मारो, इसको छोड़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो भाई अभी अपन अपनी इन्वेंट्री खाली करते हैं, जो है इन्वेंट्री में बहुत सामान भर गया है अपनी, तो क्यों ना अपन इन्वेंट्री खाली कर दें। इसको लो, इसको रखो, ठीक है। जो जो अपने को रखने वो अपन नहीं रखेंगे इसके अंदर। ओके लेट्स गो। क्या चल रहा भाई तुम लोगों का यार, खत्म करो ना ये लड़ाई। पैसा वैसा दे दो थोड़ा बहुत, मुंह पे फेंक दो पैसा, ऐसे मुंह पे मार दो पैसा। चलो भाई एक अपने पास ये रिफाइंड इंगट बन गई है जिसका अपने को अभी कोई काम नहीं है, रखे रहने देते। यहाँ एग वगैरह कैसे पड़े हैं, तुम क्या कर रहे हो? अच्छा वो भाई भक्ति मुर्गी बेचारी, उसने यहाँ एग दिया, बताओ बेशर्म लोगों, क्या हुआ तुमसे? ये असॉल्ट राइफल वाले मर नहीं रहे क्या बंदे? ज्यादा खतरनाक है। मैं मर जाऊं तुम बोलो तो यार, तुम भी क्या याद रखोगे? लमारी पकड़ी है बे यार, तुमने मेरी स्पीयर्स खराब करा दी ना इतनी सारी। एक और बंदे भेज रहे हैं क्या ये? रुकना। भाई एक ट्रैप है मेरे पास। ट्रैप कहां है वो? ये रहा गाइस, हैंगिंग ट्रैप। एक ये लगाओ। भाई मजा आ जाएगा अगर ये यहाँ आ गए हैं तो। ये काम एक बारी करता है बस। कहां पे ये बंदा, कहां है? अरे बंदा कहां है, रुक जाओ भाई रुक जाओ, इसकी गुद्दी में घुसा दूंगा ये। यहां लगवाता हूं और मैं इसको करता हूं क्रॉस। चलो भाई इधर आओ, एक बार सारे पाल अपने हटाता हूं। इधर आओ। आ बड़ो अंदर तो आएगा ना तू बीडू। अबे ये तीन अच्छा ये और भेजते रहते। अंदर आओ बे, ऐसे मत मारो, दूर से मत मारो। आप लोगों का स्वागत है भाई। अबे समझदार चिरांद है भाई ये। बेटे पापा बोलते मेरे को, पापा क्या समझा तू? भाई धागा कहाँ से निकल रहा है भाई के? अरे चाइने आना चाहोगे जरा, कोई सा आएगा इधर। अबे टूटा कैसे ये? बंदे ने राइफल बजाई और ये टूट गए। यार ये है ना गलत बात नहीं है, थोड़ी सी चीटिंग नहीं कर रहे तुम थोड़ी सी मेरे साथ? अच्छा तुम यहाँ भी आ गए हो क्या? ये लो आओ बेटे, बहुत सिस्टम है मेरे पास, तुम बावला मत समझना मेरे। देखियो कहाँ कहाँ आ जा रहे हैं ये, मार के छोड़ेंगे बिल्कुल कतई एकदम से। बेटा मैं मरने तो नहीं वाला, मैं समझ गए ना तुम, मरूंगा तो नहीं मैं। अरे एक और आया भाई अपने पास, आजा अंदर। अब दादा भाई भागते हुए आएंगे अंदर की साइड और पकड़े जाएंगे। पकड़ो भाई उसको, क्या है कोई सा पकड़ा नहीं गया क्यों? पकड़ा गया। अबे क्यों भाई, इसमें स्टोन और वो यूज हो रहा है बहुत सारा, ये कोई सा और नहीं पकड़ा गया क्या? अरे इधर आओ ना, आ गया, ये पकड़ा नहीं गया क्या साला? क्या है भाई पकड़ में नहीं आया तू? ये ले अब आ जाएगा, आ जा भाई। एक तो तुम लोग पकड़ में नहीं आ रहे हो, ठीक है, मेरा माता बैसी गरम हो रहा है। चाचा देखो ये जो है ना, चाचा सुनो तो सही, ऐसे बेटे तेरे को पड़ेगी बहुत गंदी पड़ेगी। अबे यार ये क्या और क्यों? छी भाई इनसे मरने तो नहीं वाला मैं, किसी कीमत में नहीं मर रहा, बच्चा थोड़ी रह गया बेटे। भाई हट यार, लेकिन मेरे को मरना नहीं है इन लोगों से, ये इज्जत रह जाएगी मेरी, समाज में इज्जत क्या रह जाएगी बताओ मेरी, इन लोगों से मर गया तो मैं। हाथी भाई पकड़े नहीं गए क्या यार अभी तक? हाथी भाई क्या हुआ तुम्हें? ऐसे मत करो यार, लो यार तुम्हें ना। गाइस मैं नहीं मर रहा इन लोगों से, ठीक है, ये फाइट ऐसी चलती रहे चाहे से, मैं मरने नहीं वाला इनसे। इनको हटाओ, फालतू पेट्स को हटाओ, ठीक है। मैं उतारता हूँ बढ़िया पेट्स, ये ले और ले और ले और ले और ले। भाई अब होगी यहाँ तबाही और पूरी रात होने दो यहाँ तबाही, मेरे को नहीं मतलब इन लोगों से, लेकिन यार इनको मैंने अटका दिया है। रुक जाओ ये तोड़ने भी तो पड़ेंगे मेरे को, क्या भर लिया मैंने। निकल भाई तू भी निकल भाई, बस ये वांटेड वालों को खत्म कर दो। अगर नहीं खत्म हो रहे ना, ये आते जा रहे हैं, तो बस तुम खत्म करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यार मैं अपने पैल्स को है ना फालतू में
फालतू में मतलब दिक्कत में डाल रहा हूँ यार, पेल्स वो हो जाएंगे सारे के सारे, मर जाऊं क्या एक बार? कहाँ हो भाई, सिर्फ अपने पेल्स के लिए मर रहा हूँ, वरना घंटा नहीं मरूं तुम लोगों से मैं। इधर आओ, कहाँ जा रहे हो तुम, हट जाओ भाई, तुम सब लोग हट जाओ, जाओ वापस घर को जाओ अपने। कोई बात नहीं गाइस, कुर्बानी चलती है, इतनी कुर्बानी चलती है। कहाँ है, कहाँ है ये, क्या है भाई, मारे मार ले, अब मार ले, मार ले साले। एक सेकंड, अगर मैं गेम सेव करके वापिस आ जाऊं तो क्या ये रेड खत्म हो जाए? लेट्स सी। गाइज बैठे मत पड़ो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो अगर तुम्हें आज के एपिसोड में मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।